ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। सर्वप्रथम हम सभी मिलकर के एक बार प्रणव ध्वनि का जाप करेंगे। उपस्थित हैं हमारे प्रिय मित्र आदरणीय हेमंत मुनि जी। मेरे साथ आपका अध्ययन हुआ है, कई दर्शन आपने वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजर में भी अध्ययन किया है और उससे पूर्व अजमेर में भी आप कुछ दिन पधारे थे। तो अभी मैं आदरणीय महाराज जी के ही आश्रम में हूँ, इनसे मिलने की इच्छा हुई। इनका कार्यक्रम था यहाँ पर, उनको इस आश्रम का दायित्व दिया गया है यहाँ के संचालन के लिए, तो सोचा आपके समक्ष कुछ आदरणीय के कुछ अनमोल वचन गीता पर प्रस्तुत कराए जाएं। तो आपसे निवेदन है कि कुछ हमारे मित्रों के लिए कुछ भगवान श्री कृष्ण जी जो पीछे आप देख रहे हैं इन्हीं के द्वारा जो तत्वोपदेश कुछ दिया गया श्रीमद् भगवद गीता में, उसी पर आपसे कुछ निवेदन है कि कुछ वचन। जो लोग विषाद में फंसे हुए हैं, अधिकांश लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, तो गीता क्या उपदेश देती है, भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से क्या कहते हैं जिससे लोगों का डिप्रेशन तनाव दूर हो। सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्ते। प्रशांत भाई का आग्रह है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर कुछ विचार आपके सामने रखूं। प्रशांत भाई स्वयं विद्वान हैं और विद्वान के साथ साथ ये हमारे मित्र भी हैं, तो ये केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए मुझे आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं, ये उनकी उदारता है। कोई विद्वान इतने अंतर्मुखी हो जाते हैं कि अंदर की यात्रा कर 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 करके स्वयं को इस समाज से, इस संसार से एक तरह से विलुप्त से कर लेते हैं। तो मैं कोई विद्वान भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये इनकी उदारता है कि मुझे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज चाहे दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, वैदिक दर्शन हम पढ़ते हैं, तो एक सूत्र निकल के आता है कि हम सब दुखी हैं, प्राणी मात्र दुखी हैं और सुख की खोज में ही अपनी यात्राएं अधिकांश होती हैं। चाहे सांख्य का प्रथम सूत्र ही ले लें, त्रिविध दुख अत्यंतक निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति ही है, अपना परम पुरुषार्थ है। क्योंकि प्राणी मात्र में जीवेशना देखी जाती है, एक चींटी को भी अपन देखते हैं अगर थोड़ा सा छेड़ते हैं तो वो भी सुख की तलाश में कि इस परेशानी से, इस दुख से, इस संकट से जो मेरे ऊपर आया है इससे मैं दूर चला जाऊँ। उसी प्रकार से हम भी यही चाहते हैं कि हमारी दुख की निवृत्ति कैसे हो। ये अलग बात है कि हम भौतिक संसाधनों में ही फंसे हैं और उन्हीं से चाहते हैं कि दुख की निवृत्ति हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो संसार दिखाई देता है, ये दृश्य प्रकृति है जिसको दर्शन शास्त्र विकृति कहते हैं, और जो स्वयं परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रही है, होती जा रही है, लेकिन हम देख नहीं पाते। तो हमारी दृष्टि किस प्रकार की हो कि हम तत्वतः प्रकृति और पुरुष को स्पष्ट रूप से अनुभव प्राप्त कर सकें कि ये जड़ है, ये चेतन है, और जो स्वयं नश्वर है वो हमें शाश्वत सुख नहीं प्रदान कर सकता। शाश्वत सुख के लिए तो हमें परम चेतना की तरफ बढ़ना होगा, और ये वास्तविक अध्यात्म है। क्योंकि अध्यात्म बाहर की यात्रा नहीं है, अध्यात्म तो अंदर की यात्रा है। अपनी आत्मा की तरफ अपना मुख कर लेना, परमात्मा की तरफ अपना मुख कर लेना, ये अध्यात्म है। भगवद्गीता में
जगत गुरु कृष्ण ने कहीं भी नहीं लिखा कि कैसा तिलक करना चाहिए, कैसी माला पहनना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। हम जैसे हैं, जो हैं, सहज रहें, सरल रहें और अध्यात्म की तरफ बढ़ें। ये अलग बात है कि देखे जाते हैं, अपने गुरु देखे जाते हैं कि वो अलग अलग तिलकों में, अलग अलग संप्रदायों में हैं। वो केवल एक संप्रदाय की एक पहचान है। जैसे पुलिस वाला की वर्दी पहनेगा, एक सैनिक सैनिक की वर्दी पहनेगा, एक डॉक्टर डॉक्टर का जो पोशाक है वो पहनेगा। लेकिन अध्यात्म का इससे कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म तो अंदर की यात्रा है, और जब हम अंदर की यात्रा करेंगे तो पता चलेगा कि जिस नश्वर की खोज में हम नश्वर की शरण में गए थे, हम उससे अलग होके हम शाश्वत की शरण में जाएं, हम ईश्वर की शरण में जाएं। क्यों? ईश्वर ही तो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता। जब अध्यात्म की चरम सीमा पर हम पहुँचते हैं तो हम जड़ प्रकृति को और ईश्वर को अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं कि शाश्वत यह है। और इसी से हमारे जब मूल शाश्वत की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। हमें दुख पीड़ा इसलिए कि हमारी बुद्धि डावाडोल है, हम निष्कर्ष नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सत्य है। और जब सत्य की तरफ बढ़ेंगे तो वो सत्य परमात्मा के रूप में हमारे सामने प्रकट होगा, और जब वो प्रकट होगा हमारे जीवन में तो हमारा जीवन चलता फिरता मंदिर बनेगा। मन को मंदिर बनाना है, और उस मन में ही ईश्वर का प्राकट्य होगा। अर्जुन को भी विषाद प्राप्त हुआ, वो भी गुरुकुल में पढ़ा हुआ था, उसने भी वेद वेदांग धनुर्वेद इत्यादि की शिक्षा प्राप्त की थी। कितने ही युद्ध लड़े हैं, गाजर मूली की तरह लोगों को काट दिया है उसने, लेकिन एक स्थिति आती है, हमारे जीवन में भी आती है, मेरे जीवन में भी आती है, जब अपने ही सामने होते हैं तो हम डामाडोल हो जाते, हमारी बुद्धि डामाडोल हो जाती, राग और द्वेष आ जाते। हम राग है तो डामाडोल हो जाएंगे, द्वेष है तो डामाडोल हो जाएंगे। तो राग द्वेष से मुक्त हुए बिना तो बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जगत गुरु कृष्ण सारथी हैं अर्जुन के, और अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं युद्ध में जो जो उपस्थित हुए हैं उन सबको देखना चाहता हूँ, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। जगत गुरु कृष्ण ने अपना रथ जो है कौरवों की तरफ बढ़ाना प्रारंभ किया, और रथ को भी वहाँ ले गए जहाँ गुरु द्रोण थे, भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे। श्री कृष्ण चाहते तो वो रथ दुर्योधन के सामने, कर्ण के सामने, दुशासन के सामने भी प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। वो अर्जुन को अंदर तक टटोलना चाहते थे कि युद्ध केवल ये बातूनी करने के लिए आया है कि वास्तव में युद्ध करने के लिए पूरा तैयार है, मानसिक स्थिति भी तैयार, शारीरिक रूप से तैयार है कि मानसिक रूप से तैयार है, हर स्थिति परिस्थिति में युद्ध के लिए तैयार है या नहीं है। और श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने, जहां से वो भीष्म पितामह को स्पष्ट रूप से देख सके, वहां उस रथ को स्थापित किया। और जब अर्जुन ने देखा कि महान लोग हैं, मेरे गुरु हैं, इनकी हत्या करके ही मुझे राज्य की प्राप्ति होगी, तो विषाद को प्राप्त हो जाता, मोह हो जाता उसको कि इनके रक्त से सने हुए साम्राज्य का मैं भोग नहीं कर सकता, चाहे मुझे नरक जाना पड़े मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। आप देखेंगे कि एक डॉक्टर होता है, एक न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश अनेक फैसले लेता है, अनेक निर्णय लेता है, अनेकों को फांसी के तख्ता तक पहुंचा देता है, लेकिन उसके सामने कभी अपना ही बेटा आ जाए तो उसकी बुद्धि नावाडोल हो जाती है, उसके हाथ थर थर कांपने लगते हैं। एक डॉक्टर को जब अपने ही बेटे की ऑपरेशन करना पड़ता है तो वो नहीं कर पाता। यहाँ स्थिति ऐसी अर्जुन की होती, वो डावाडोल हो जाता है। अर्जुन रोग नाम दिया गया है विद्वानों द्वारा कि पसीना पसीना आ रहा है, उसका कंठ सूख रहा है, वो कांप रहा है, और अपने गांडी को नीचे फेंक देता है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं क्यों युद्ध करूं, इससे तो अच्छा है मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन इनके साथ युद्ध नहीं, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। केशव विषाद को प्राप्त हुआ, और विषाद से प्रसाद की यात्रा है भगवत गीता। लोग उसके अंदर ध्यान है, उसके अंदर कर्म है, उसके अंदर भक्ति है, भगवत गीता में जो आज उपलब्ध होती है,
700 श्लोक के लगभग में। लेकिन जब वैदिक सिद्धांतों को अपन लेंगे तो उसमें श्लोक 200-250 श्लोक ऐसे निकलेंगे जो वैदिक सिद्धांत के आधार पर चलते हैं। उसमें सांख्य योग जो द्वितीय अध्याय है वह अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में स्थित प्रज्ञ की स्थिति नहीं बताई गई है, लेकिन जगत गुरु कृष्ण ने वहाँ कैसे एक स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि डामाडोल नहीं है वो पुरुष कैसा होता है विस्तार से चर्चा की है। तो अर्जुन विषाद को प्राप्त हुआ और अंतिम में जब 18 अध्याय में जाएंगे तो वह कहता नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया जो इन गुरुओं के प्रति, जो अपनों परायों के प्रति, ये मेरे हैं ये अपने हैं, ये द्वंद्व जो आ गया था इससे मेरी बुद्धि डामाडोल हो गई थी, अब मैं प्रसाद प्रसन्नता को प्राप्त हो गया और हे केशव जो आप कहेंगे वही मैं अब करूँगा। लेकिन जगत गुरु कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जो मुझे कहना था वो कहा, लेकिन तेरी बुद्धि अब जैसी काम करे वैसा तू कर। महापुरुष अपना वक्तव्य रखते हैं लेकिन आपको मजबूर नहीं करते कि आपको यही कर्म करना है जो हम कह रहे हैं, वो पूरी स्वतंत्रता देते हैं। ये वैदिक सिद्धांत है, इसलिए तो इतनी व्याख्याएं होती है, इतनी व्यवस्थाएं होती, किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलेगी। वहाँ तो कुछ अगर आपने अर्थ कर दिया तो वहाँ तो फतवा जारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ आप कह सकते तर्क के साथ, अपना प्रमाण के साथ अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते। तो जीवन में विषाद अगर है तो आपको भगवद गीता का कम से कम द्वितीय अध्याय का ऊपर विचार करना चाहिए, उसको अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि तीनों प्रकार से अर्जुन विषाद को प्राप्त हुआ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वाणी से भी। कहा भी गया है तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम वाच मधुसूदन। और गीता में जो कृष्ण के बारे में जो नाम दिए गए, मधुसूदन है, कहीं केशव है, इसका भी बड़ा रहस्य है। मधुसूदन, मधु यानी शहद अपन कहते हैं, लेकिन मधु के राक्षस को मारने वाले, सूदन उसको मारने वाले, तो मधु का मतलब राग होता है। उस समय क्या हुआ था, अर्जुन के मन में राग हो गया, किसके प्रति, अपने ही लोगों के प्रति, कि इनको कैसे मारो, दूसरे होते तो मार डालते, बिल्कुल बचाता नहीं, एक व्यक्ति को नहीं बचाता हो, विराट युद्ध हुआ ही था, उसके पहले ही कितने ही युद्ध हुए, वो किसी को नहीं, पहले वाले युद्धों में भी गाजर हाँ, की तरह काट दिया, लेकिन वहां क्योंकि अपने, वो उसको प्रसंग याद आ कि भीष्म पितामह ने मुझे कितना पाला पोसा, मेरा द्रोणाचार्य ने सबसे अपने बेटे को भी महत्व नहीं दिया, उससे ज्यादा मुझे महत्व दिया, और आज इनकी ही हत्या मुझे करनी पड़ेगी, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जगत गुरु कृष्ण ने अनेक प्रकार से उसको समझाया, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि भगवद गीता के अंदर जो भी बताया गया है अर्जुन ने उसमें से कुछ नहीं किया। क्या भक्ति की, मजीरे लेके बैठ गया रथ में, नहीं। क्या योग समाधि की, नाक पकड़ के प्राणायाम इत्यादि किया, नहीं किया। तो किया क्या, ये विचारनी है। अनेक व्याख्याएं होती हैं, बड़े बड़े विद्वान व्याख्या करते हैं, लेकिन मूलतः रहस्य पूरी भगवद गीता का सांख्य योग में कि बुद्धि का डावाडोल खत्म हो जाए और वो ज्ञानात्मक थे, ज्ञान हो जाएगा तो ये राग ये द्वेष ये सब चला जाएगा और ये शाश्वत मुक्ति को। अगर वास्तव में अर्जुन युद्ध से विरत हो जाता, होना चाहता था, तत्वतः जाता, कृष्ण कभी नहीं रोकते, वो सिर्फ अपने खड़े हैं, राग आ गया अपनों के प्रति, इसलिए कृष्ण को भगवद गीता कहनी पड़ी। मुख्य यही था कि अर्जुन डर नहीं रहा था, बस वो राग से पीड़ित था, वीरता थी, सब कुछ था, लेकिन राग है, इसी को यहाँ मोह कहा गया। नष्टो मोह, यानी दो शब्द आए हैं, नष्टो मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई, यानी बुद्धि का डामाडोलपन था, संतुलन वो हो गया। ये दो चीज जो अगर जीवन में आ गई, एक तो बुद्धि का डामाडोल ना हो और अपने को किसी से राग द्वेष ना हो, तो हम विषाद से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षण विषदंतम इदम वाक्य उवाच मधुसूदन, कृपा का आविष्ट हो गया, दया का आविष्ट हो गया, तो अंदर से विषाद को प्राप्त हुआ। अश्रुपूर्णाकुलेक्षण, ये शारीरिक रोग प्रकट हुआ कि आंसू आ रहे, यानी कि ये शारीरिक विषाद है, और बोल पड़ा विषदंतम इदम, विषाद से युक्त होकर अपनी वाणी कही, तो वाचिक कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार से विषाद को प्राप्त हो गया। रोम हर्षस्य जायते, हाँ रोए रोए बिल्कुल, तो उसको अर्जुन रोग कहा गया। अब यहाँ फिर कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन वो अपने तर्क रख रहा है, और शरणागति ले ली उसके बाद भी अपने तर्क रख रहा है। गुरु के पास आके शरणागति, जो आप कहेंगे, कार्पण दोषो महस्वा प्रश्यामिताम धर्म सम्पूर्ण चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितम शिष्यस्तम साधिमानताम प्रको, अगर वास्तव में वो शिष्य बन जाता और कृष्ण की बात कहता, कृष्ण कहते युद्ध लड़ो, तो कुछ नहीं सोता युद्ध लड़ना, लेकिन वो केवल वाचिक रूप से शरणागति आया,
वो पूरी शरणागति में नहीं गया, उससे जीवन का कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। वो काट तो सकता था किसी बिल्कुल को भी, लेकिन वो जिस स्तर पर जाकर के वो कर रहा था निष्काम भाव से, जी जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो वो निष्काम की बात की है ना, इसीलिए क्योंकि सकाम होगा तो बंधन में आएंगे, तो उनने जो किया है, अर्जुन ने जो किया है, तो अर्जुन को वो दृष्टि थी कि वो निष्कामता की ओर से, मतलब उस भाव में जाके कर्म किया उसने, बिल्कुल। बाकी सुन के तो वो कहते हैं कि मैंने बोला अर्जुन के सत्य वचन महाराज, वो करने लगता है, तो उससे बड़ा नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ एक संकेत प्राप्त होता है अपने कि अपने विवेक बुद्धि से युक्त होके, और जब गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं, और गुरु भी तत्ववेत्ता होना चाहिए, नहीं तो आजकल तो हर चौराहे पे गुरु मिल जाते हैं और स्वरूप से मिल जाते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता। तो अपने को तत्वतः गुरु की खोज करना चाहिए, और ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण जो उसको विषाद से बाहर लाए और कहा सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम, तेरी सब वासनाओं को मोहों को तू काट के, जो तेने धर्म मान लिया है कि ये गुरु ये द्रोणाचार्य विश्व ये नकली धर्म जो आडंबर युक्त धर्म तेने मान लिया, इसको त्याग करके एक मूल धर्म स्वधर्म तू जो है वो हो जा। लेकिन हम सब दुखी हैं, क्यों? कि चमेली गुलाब होना चाहती है, गुलाब मोगरा होना चाहता है, स्वभाव में नहीं, स्वभाव में नहीं है। अगर चमेली है और चमेली भी 100% बन जाए और न चमेली बन पाए, अगर वो कली भी बन जाए और वो कली भी मिले आत्मतुष्टि संतुष्ट हो जाए कि न बन पाया मैं पूरा फूल, लेकिन मैं कली भी हूँ कोई बात नहीं, लेकिन पर धर्म में गए कि मैं गुलाब बनूंगा, उसके जैसा बनूंगा, उसके जैसी पगड़ी बांध लूंगा, महर्षि दयानंद जैसा कोई हो पाया, कोई महर्षि रमण जैसा हो पाया। परमात्मा के पास फोटोकॉपी मशीन नहीं है, ये बात सुन लीजिए, ध्यान रख लीजिए। परमात्मा हर व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदान किए हुए हैं, वो अपने को जानना है। हाँ, वो एक परंपरा हो सकती है कि भाई उस संप्रदाय के लोग है तो वो परंपरा है, लेकिन अपने स्व को विकसित करना है और उसी से विषाद जाएगा। जब स्व धर्म, इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे स्वधर्म को जान, और स्वधर्म को जान लिया ये सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। सब वासनाओं का त्याग कर दे, सब कुछ त्याग कर दे, अपने स्वधर्म में आ जाए। और कृष्ण कभी नहीं थोप रहे, मैंने पहले भी कहा कि वो कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ समझाया तेरे को, लेकिन फिर भी तो तेरी इच्छा हो, विवेक बुद्धि युक्त होकर सोचना और वो तो करना, वो ही तेरे लिए श्रेष्ठकर है। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूँ, अगर विषाद से प्रसाद की यात्रा में जाना है तो अध्यात्म अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी, और अंदर की यात्रा में जब बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ के लक्षण के कभी समय मिलेगा तो स्थित प्रज्ञ के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्थित प्रज्ञ केवल उतना ही, गीता का सार अगर देखना है तो स्थित प्रज्ञ में था, क्योंकि उसकी बुद्धि की डावाडोल स्थिति को ठीक करना, स्थित करना, एकाग्र करना, यही कृष्ण का उद्देश्य था, और भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में वो पूरा हो जाता है। बाकी तो उसी द्वितीय अध्याय का विस्तार है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मत पंथ मजबून है, अपने अपने विस्तार से उसमें जोड़ते गए और 700 श्लोक आज उपस्थित हो गए। अगर गीता के मूल श्लोकों को देखा जाए तो 70, 80 और 100 श्लोक तक आ जाएंगे। इतना ही कहते हैं, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रशांत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपके सामने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे मित्रों को कुछ, और आप यहाँ पधारे इसके लिए बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। इनका बैकग्राउंड है, काफी कथा करते थे मुनि जी, पहले श्रीमद् भागवत कथा करते थे। अब इसमें मैं इसीलिए आपको ये सब बता रहा हूँ क्योंकि तत्व ज्ञान इन्होंने कहा ना कि ऐसा गुरु मिल जाए हमें, तो आदरणीय को एक गुरु मिल गए, यानी आचार्य सत्यजीत जी को सुना है इन्होंने। उसके बाद में इनको काफ़ी वैदिक चीज़ें जानने का प्रयास किया इन्होंने और काफ़ी अध्ययन किया है। मैं अभी यहाँ आया था, इनका कार्यक्रम था, इनको यहाँ आश्रम का उत्तराधिकारी बनाया गया है, तो इसी उपलक्ष्य में अपने यज्ञ भी किया था यहाँ पर, कली पूर्णावती हुई उसकी। तो वैदिक इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, दर्शन पढ़े हैं मेरे साथ इन्होंने, और गीता पर तो इतनी टीकाएँ पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने गीता पर आपसे प्रश्न किया क्योंकि इतनी कुछ विवेचन श्रीमद् भगवद गीता पर करते रहते हैं। तो काफ़ी जीवन में परिवर्तन आता है जब जीवन में एक सद्गुरु का प्रवेश हो जाता है, तो तत्व ज्ञान जब भी मिलेगा, जब तत्व ज्ञान ही आपको उपदेश देंगे, नहीं तो कहीं से भी लेते फिरते रहो तो जीवन में स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहना है। यदि वो जैसे शकुनि भी जो गुरु था, लेकिन वो दुर्योधन ने उसको चुना, शकुनि को, यदि कृष्ण को चुनते हैं वो, तो उनका भी तो जीवन का उद्धार होता है। तो अर्जुन का सौभाग्य था कि उनको श्री कृष्ण जैसे गुरु मिले, और वो दुर्योधन का दुर्भाग्य था कि उसको शकुनि जैसे मोटिवेटर मिले, वो सोचता था कि ये मेरे कुछ अच्छा है, तो गुरु बनाए। वो एक कहावत है ना, कैसे कहते हैं ना, जल पियो छान के गुरु बनाओ जान के, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो गुरु जीवन में, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो जैसा उपदेश देते हैं वैसा ही हमारा चित्त बनता है, वैसे ही संस्कार बनते हैं। तो हम राग से दूर हों उसके लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। तो आदरणीय ने बहुत अध्ययन किया है और ये सारी परंपराओं में दीक्षित हुए हैं, और अभी भी यहाँ पर काफ़ी आगे की हम योजना बना रहे थे तो बता रहे थे यहाँ पर सारा संस्कृत का भी बनाएंगे, यहाँ पर अध्यापकों के लिए व्यवस्था करेंगे, तो काफ़ी यहाँ के नीमच के लोग, अभी हम नीमच में बैठे, नीमच में आश्रम हमारा जी का,
यहाँ पर और नित्य प्रतिदिन यज्ञ की भी व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था हो, यहाँ वैदिक ज्ञान की व्यवस्था हो, और काफी ऐसा आगे जैसे प्रभु की इच्छा होगी पुरुषार्थ तो करें, क्योंकि पुरुषार्थ तो अपने करना है, प्रभु आके पुरुषार्थ नहीं करेगा। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि वो जब गीता में ऐसा लिखा गया है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म तदात्मानाम सृजाम्यम, तो वो ये समझ लेते हैं कि वो मुरली वाला कृष्ण आएगा, वही उद्धार करेगा, वो पूरा देश गुलाम हो गया इस चक्कर में कि वो आएगा सोमनाथ का। आप तो सब जानते ही हैं कि सोमनाथ वो प्रकट हो जाएंगे महाकाल और सब दुश्मनों को मार देंगे, और दुश्मनों का गाजर मूली के तलक काट गए वो लोग। ये अगर वो सोच ले कि जब जब धर्म की आंटी हो तो मैं आत्मा में वो सद्बुद्धि देता हूँ कि तुम ये करो पुरुषार्थ करो और हम पुरुषार्थ करेंगे, और बुद्धि के अंदर जो कृष्ण बैठे हैं उनकी बात मानेंगे, तो निश्चित अपन विजय होंगे, और विजय होंगे तो अपनी संस्कृति भी जीवित होगी। लेकिन हम तो केवल मजीरे ठोके किसी मंदिर में बैठे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आके प्रकट हो जाए, दुष्टों को मार दे, ऐसे तो गुलामी होंगे और कुछ नहीं होना है। इसलिए गीता एक बहुत महत्वपूर्ण है, और गीता जैसा शास्त्र, वैसे तो शास्त्र वैदिक शास्त्र है, लेकिन जो वैदिक सिद्धांत के अनुसार गीता में श्लोक है अगर उसके अनुसार अपन चलेंगे कि एक ही बात कही कृष्ण ने कि तेरी बुद्धि स्थिर हो जाए, ददामिते बुद्धि योगम, मैं कौन सा योग देता हूँ, मैं बुद्धि योग देता हूँ, ये योग, अगर बुद्धि अगर शुद्ध हो गई तो सब शुद्ध हो गए, अगर बुद्धि डामाडोल है तो कुछ नहीं, क्योंकि बुद्धि का कौन, बुद्धि के बाद मन आता है, बुद्धि चित्त और मन, लेकिन अपन मन मन के मन तक ही नहीं पहुंच पाते ठीक ढंग से, बुद्धि तक तो बहुत बड़ी बात है, बुद्धि की आवाज ही नहीं सुन पाते, बुद्धि तो मन से भी सूक्ष्म है क्या। तो ये सब चीजें हैं, और गीता दर्शन है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे पहली बार आया हूँ, मैंने इससे पहले कभी यूट्यूब पे आया नहीं, यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है हमें, केवल एक कैमरा चल रहा है, तो मेरा अनुभव नहीं है, आचार्य प्रशांत का तो यूट्यूब पे काफी अनुभव है, और मेरी इनको शुभकामना है कि ये उन्नति करें, आगे बढ़े, और मैं भी चाहता हूँ कि वैदिक धर्म की स्थापना के लिए, वैदिक धर्म के लिए जो भी यथाशक्ति कर सकूँ वो करूँगा, और उसके लिए जो प्रभु इच्छा होगी वो तो निमित्त तो किसी को भी बनाता है, लेकिन प्रभु की कृपा भी चाहिए, अति कृपा होती है वही इस मार्ग पर जाता है। तो प्रशांत जी पे ये बिल्कुल हो गया कि इन पे परमात्मा की अति कृपा है, इस मार्ग में है, और अपने पूरे परिवार को पूरे सब कुछ इधर उधर छोड़ के वो अपने वैदिक धर्म की स्थापना, वैदिक धर्म के लिए उन्नति के लिए जो भी कर सके वो कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं इनको, और परमात्मा इनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए, और जो भी मेरे लायक सेवा हो तो ये आज्ञा करें, मैं बिल्कुल उसी समय 24 घंटे तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे एक आग्रह पर आपने हमारे श्रोताओं को कुछ श्रीमद् भगवद गीता के अच्छे उपदेशों से अनुग्रहित किया। बहुत बहुत नमस्ते।